नमस्कार मंडळी, दिलसे इंडियन चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आणि आज आपण आलो आहे खूपच फेमस म्हणजे जे सगळ्यात मराठी लोकांचं आवडतं जेवण आहे फिश फूड. मला तरी खूप आवडतं आणि हे फिश फूड खाण्यासाठी सी फूड खाण्यासाठी मी तुम्हाला घेऊन आलो आहे एका खूप खास जागी. तर बघा मी तुम्हाला कुठे घेऊन आलो आहे. Let's go in. This restaurant is an amazing place, quite peaceful. Often आप लोग यहाँ आ सकते हो family के साथ, आपके siblings के साथ, friends के साथ seafood के लिए. This me hi Kori. Also the tables are very neat and clean. काफ़ी अच्छे से एक simple way में रखते हैं जो कि बहुत stylish लगता है यहाँ पे. It's beautiful. यूटेंसिल्स है यहाँ पे, काफी ओल्ड एजेस का आता है आपको एक फीलिंग आता है यहाँ पे. ऑल्सो दे हैव गॉट सम अवार्ड्स फॉर बेस्ट फूड इन 2018. मेनी एक्टर्स विजिट ओवर हियर, यू कैन चेक इट आउट. सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. सी दिस डिफरेंट थिंग्स, दिस ब्यूटीफुल सारी ओवर हियर. The radio and cassettes you can see here. The utensils. काफ़ी मतलब आपको एक ओल्ड एक विंटेज वाइब्स मिलेंगे यहाँ पे. सी फूड विथ विंटेज वाइब्स यू कैन से. सो डेफिनेटली यू शुड गिव अ विजिट ओवर हियर इफ और इफ यू आर अ सी फूड लवर या फिश फूड लवर. सी द मेनू कार्ड, इट्स इन अ वेरी यूनिक वे. इट्स लाइक न्यूज़ पेपर यू कैन सी. इसमें से कुछ स्पेशल फूड है, स्पेशल डिशेस है जो ऑर्डर करते हैं आपके लिए. यहाँ पे बहुत बड़ा मेनू है लोग का, तो हम लोग ने वहाँ से तीन थाली ऑर्डर किया है. एक क्रैब का थाली है, एक सुरमई थाली है और एक चिकन थाली. तो कैसे तीन अलग अलग वेराइटीज का आपका जो रिव्यू है हम लोग कर सकते हैं आपको. तो चलो एक बार मेकिंग की तरफ देख लेते हैं कैसे. Thank you.
तो आ गया है यहाँ पे, देखो सुरमई थाली हम लोग ने जो ऑर्डर किया वो आ गया है, बहुत बड़ा सा सुरमई है। यहाँ पे क्रैप थाली है जो गुड्डू खाएगा, और ये चिकन थाली है यहाँ पे जो ये श्रेयस खाएगा। तो फटाफट देख के मैं बढ़ता हूँ मेरे थाली की ओर, तुम लोग अपना अपना खाओ। पहले तो मैं तोड़ूँगा। काफ़ी टेंडर है गाइस ये, मतलब जो चीवीनेस नहीं है ज़्यादा, सॉफ्ट है, टेंडर है, तो मतलब खाने को मज़ा आ रहा है। और बेसिकली मेरे को क्या लग रहा है, ये रवा में नहीं बनाया लोग ने, क्योंकि ये कोई स्टाइल से बना है, तो मैरिनेट किया है इसको। तो मेरे को ऐसा लग रहा है काफ़ी, मतलब जो मैरिनेट किया है वो रिचली किया है वो लोग ने, और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को। गाइस मैं जो थाली ट्राई कर रहा हूँ ये क्रैब थाली है। एक्चुअली क्रैब बहुत ज़्यादा टेस्टी है, इसमें एक्चुअली मसाला बहुत ज़्यादा एनहांस्ड फ्लेवर दे रहा है। सो अगर कोई यहाँ पे आके क्रैब ट्राई करेगा तो उसको बहुत ज़्यादा अलग फ्लेवर आएगा, जो मैं नॉर्मली मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं था क्रैब कैसा टेस्ट करता है, बट ये बहुत अमेजिंग टेस्ट है। फ्रेंड्स मैं चिकन थाली ट्राई कर रहा हूँ, ये चिकन बहुत ही सॉफ्ट है और स्पाइसी है, तो जिन लोगों को स्पाइसी खाना पसंद है वो डेफिनेटली यहाँ पे आके ट्राई करें। गुड्डू में तेरा ट्राई करो। श्योर, मेरे को ऑलरेडी क्रैब का ये बहुत पसंद है, जो ग्रेवी रहता है ना, मैं घर पे भी क्रैब का ग्रेवी खाता हूँ बस। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, मेरे को बहुत पसंद है भाई, बहुत सुपर है। तू फर्स्ट टाइम खा रहा है ना, मतलब मुझे नॉर्मली गाइस जो रेगुलर क्रैब खाते ना, उनके लिए मैं तो बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आके एक बार ये ट्राई करो। इसका ग्रेवी बहुत अलग है, मतलब जो क्रैब का पूरा फील अंदर आ रहा है उसके, वो जो ग्रेवी में ना पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो प्लीज़ आप, मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा यहाँ पे आप एक क्रैब ट्राई करना गाइस। एंड इन ये क्रैब के साथ यहाँ ये थाली में और एक चीज़ मिलती है, ये ड्राई फिश है, ड्राई फिश जिसको जवला बोलते हैं गाइस, ज्याला आपले मराठी भाषेत जवला बोलतात, ते पण प्रत्येक थाळीबरोबर भेटतं इकडे। अँड बहुत इम्पॉर्टंट चीज गाइस, सोलकढी, सोलकढी तर चेअर्स करा, चेअर्स, चेअर्स, बिल्स इंडिया, चेअर्स इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत मज़ा आया खाने को अंदर, फूड काफ़ी अमेजिंग था देखने को जाए तो। अगर हम लोग मतलब जो ये तो फर्स्ट टाइम क्रैब था, मैंने जो खाया वो मतलब मैं हमेशा रेगुलर सी फूड खाता ही हूँ, घर में भी खाता हूँ और होटल्स में भी ट्राई करता हूँ। तो एज़ कम्पेरेटिवली यहाँ पे जो वो लोग ने बनाया ना, तो थोड़ा कोली स्टाइल में बना है, तो वो लोग बट ऑब्वियसली वो लोग ग्रेट है फिश फूड बनाने में, तो काफ़ी टेस्टी था, मेरे को टेस्टी लगा। तो अगर जिन से इंडियन के तरफ से देना चाहूँगा रेटिंग में, तो 3.8 में फूड को दे सकता हूँ मैं। बट यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा था, हाँ एम्बियंस को, एम्बियंस को हम 4 रेटिंग देना चाहेंगे, हाँ एम्बियंस को 4 रेटिंग दे सकते हैं। तो ओवरऑल मैं रिकमेंड करूँगा जिन से इंडियन के थ्रू कि आप ज़रूर करें। और गाइस एक और बात बताना चाहूँगा कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और आपको मतलब जितना ज़रूरत टेस्टी फूड का है उतना ज़रूरत हम लोग को आपका की ज़रूरत। तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें आप लोग, और वैसे मतलब आप सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग और जगह घूम सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस गाइस, लाइक अस और शेयर करो गाइस। बाय अबेरू, बाय गाइस। कंफ्यूज मत होना, ये लोग के दो ब्रांच है, एक यहाँ पे ये 3 पेट्रोल पंप है, यहाँ पे एक ब्रांच है और वहाँ पे गोलबंदर रोड पे एक ब्रांच है। तो दोनों का जो एड्रेस है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी के लिए फाइनली बाय। फाइनली बाय।